लगातार 8 सालों से इस हई रेजिमेंट की मुहिम को गांव-गांव देश के हर जिले-जिले तक ले जाने का काम हम लोगों ने किया है। अगर इसी तरीके से आप लोग हम लोग इकट्ठा होकर अगर एक बड़ा आंदोलन 19 से पहले हम लोग कर पाए तो 19 से पहले पहले ये रेजिमेंट आपके कंधे पर मिल जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों को। साथियों, यदुवन समाज का गौरव में इतिहास रहा है, ये देशभक्त और एक हल और हथियार की जाति रही है, ये मार्शल जाति रही है। भारत को जब भारत गुलाम था तो इस जिस हरियाणा की वीर भूमि से आप लोग आए हो, 1857 के अंदर इस देश को आजाद कराने के लिए, वो यादवों को आजाद कराने के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए राव तुलाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका खामियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर हम अंग्रेजों का साथ देते हैं, देश के साथ गद्दारी करते तो हमारे कांधे पे पहले भी नाम था और आज भी नाम होता, लेकिन अहिरों ने ना देश के साथ गद्दारी की ना अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी भुगतान आज तक हम और आप सब लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। 1857 की लड़ाई के अंदर इतिहास गवाह है, एक तरफ तोबे लेकर अंग्रेज आए हुए थे और भारी संख्या में थे, और एक तरफ 5,000 अहिरों की टुकड़ी जिन्होंने न हथियार की परवाह की और अंग्रेजों के 3-3 जनरलों को मार गिराया, जो जनरल जराडा आज भी लाल लोन के अंदर उस वीर भूमि पर उनकी मूर्तियां लगी हुई है। जब उनके अंग्रेजों के जनरल मारे गए तो अंग्रेजों में भगदड़ मच गई, उनको लगने लगा हम जीत नहीं सकते, अब हमारी हार निश्चित है। लेकिन जैसे आज हमारे देश के अंदर कुछ गद्दार है, ऐसे उस टाइम भी नाभा पटियाला राजाओं ने अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो हमारे हीर समाज के स्वतंत्रता सेनानी वीर 1857 में देश को आजाद करा देते, 1947 की जरूरत नहीं पड़ती। अंग्रेजों ने निर्णय लिया, उससे पहले हमारी हीर रेजिमेंट थी, अंग्रेजों ने निर्णय लिया हमें तो इस भारत पर राज करना है और ये हीर हमें राज नहीं करने देंगे, तो सबसे पहले उन्होंने हमारी हई रेजिमेंट को तोड़ दिया और आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर हमारी भर्तियां बंद कर दी, करती नहीं करती, आप सब लोग वाकई गवाह हो। और उसके बाद 3 दिन देशद्रोहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसी टाइम उनकी रेजिमेंट बना दी गई अंग्रेजों ने, जो देश के साथ गद्दारी की अंग्रेजों का साथ दिया उनकी रेजिमेंट बना दी गई अंग्रेजों ने। साथियों, उसके बाद पत्थर विश्व के अंदर जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो फिर 20,000 हीरो ने भाग लिया, द्वितीय युद्ध के अंदर फिर जरूरत पड़ी तो 40,000 हीरो ने भाग लिया, किसके लिए, यादवों के लिए नहीं, यादव अपने लिए कभी नहीं लड़ता, जब भी लड़ता है राष्ट्र के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है और सभी बिरादरी के लिए लड़ता है, लेकिन जब छात्र आंदोलन करे तो आंदोलन, गुज्जर करे तो आंदोलन, पटेल करे तो आंदोलन, और जब यादव समाज रोड पे आए तो ये जातिवाद फैला देते हैं, क्योंकि सभी यादवों से डरते हैं, क्योंकि जिस दिन ये सेना में रेजिमेंट हो जाएगी तो ये किसी की मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये देशभक्त कौम है, ये किसी की गुलामी नहीं करते। साथियों, इस देश का इतिहास गवाह है, आज भी अगर कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो आपके बच्चों ने, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान हो चाइना हो सबके खिलाफ लड़ाई लड़कर शहादत और बलिदान देकर आज भी कश्मीर को भारत का अंग बनाया, तो उसमें सबसे ज्यादा हई जवान वीरों का योगदान है, क्योंकि मैं मुद्दे पे आऊंगा, जो मुद्दे पे हमारी लड़ाई है वही मुद्दा हमारा है, उससे ज्यादा मैं भटकने वाला नहीं हूं। उसके बाद 1947 और 1948 के अंदर एक लड़ाई हुई बड़गांव पहाड़ी पर, एक तरफ 800 पठान थे और एक तरफ 55 हीर की टुकड़ी थी, और सारी पेवर की पेवर राजस्थान अलवर और हरियाणा के रिवाड़ी के लोग थे, लेकिन उस टुकड़ी का भी कमांडर सोमनाथ शर्मा था। जब सरकार का आदेश आया अकाम इनसे नहीं लड़ सकते, हमारे पास 303 बंदूक है, उनके पास मशीन गन है, संख्या ज्यादा है, आप वापिस आ जाइए, तो जब सोमनाथ शर्मा जी के पास मैसेज गया तो उन्होंने कहा, मामचंद यादव जी जो राव साहब रिवाड़ी से थे, मामचंद जी आपकी क्या राय है, बोला हम दादा किशन की औलाद है, हई रहे मरेंगे हम मारेंगे पर भारत माँ की सीमा को नहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन इस यादव पहाड़ी का नाम यादव हिल हो जाना चाहिए, इस देश के अंदर जितने इतिहास जितने रिकॉर्ड देश ही नहीं थी और विश्व के अंदर
अगर किसी के नाम है तो वो यादवों के नाम से है, लेकिन यादव इतिहास बनाता और भूल जाता है। उस पहाड़ी में जब उसकी लड़ाई हुई तो 55 हीरों ने शहादत देकर 400 पठानों को मार गिराया और आखिरी में उस पहाड़ी का नाम यादव हिल के नाम से हो गया, जो आज तक किसी बिरादरी के नाम से कोई कहीं भी बिरादरी के नाम से पहाड़ी नहीं। उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, जब एक तरफ से चाइना के लाखों की संख्या में भारत पर अटैक कर दिया और चाइना ने चारों तरफ से भारत की चौकियों का ध्वंस कर दिया और हजारों हजारों सैनिकों को मार गिराया, तो उस टाइम पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आदेश दिया हमारे पास हथियार कम है, संख्या कम है, हम चाइना से नहीं लड़ सकते, सबको वापिस बुला लो। लेकिन वहीं पर वही 16,000 ऊंची पहाड़ी पर 120 की टुकड़ी और जिसका कमांडर मेजर सिद्धांत सिंह पाटिल और 116 हाई, वही 47 वाली बात हुई जब मेजर सिंह सिद्धांत सिंह के पास मैसेज गया वापिस आ जाओ। तो आज के जो जवान है अगर वो चाहते तो उसमें जीजा साला सगे भाई चाचा भतीजा उसके अंदर ही थे, तो जीजा कह सकता था सारे से आप वापिस चले जाओ, चाचा भतीजे से कह सकता था वापिस चले जाओ, भाई भाई को कह सकता था वापिस चले जाओ, क्योंकि सरकार का आदेश था। लेकिन वही 47 की बात हुई, मेजर सिद्धांत सिंह भाटी ने पूछा रामचंद्र क्या, बोला हम हीर है दादा कृष्ण की औलाद है, मरेंगे हम मारेंगे पर भारत माँ की सीमा को छोड़कर नहीं जाएंगे। देश की ही नहीं विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में से अगर विश्व की सबसे महानतम लड़ाई कोई है तो भारत चाइना की नहीं, चाइना और हीरो की लड़ाई 1962 की लड़ाई है। उसको भारत नाम लेना बेकूफी है हम लोगों की, वो पेवर पेवर यादव और पनाम चाइना की लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी। एक तरफ पहाड़ी पर बर्फ जम रही थी, हाथ कांप रहे थे और 303 बंदूक जो आज के बच्चे को अगर हाथ में दे दो तो उसको चला नहीं सकता, क्योंकि आप जवान हो, आपने वहां पर शहादत दी है, आपने ड्यूटी की है, मेरे से ज्यादा आपको पता है। लेकिन मेरे दिल के अंदर ठेस है जब 1.5 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 2.5 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 6 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, तो इस देश का हर 5वां आदमी यादव 432 टाइटल वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कटक से कटक तक दक्षिण से पश्चिमी तक जहाँ भी देखोगे वो यादव ही यादव है। तो क्या यादव इतने कमजोर हो गए कि वो अपने जवान वीरों स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ सकते हैं। लेकिन यादव यादव की लड़ाई बंद करें और यादव की लड़ाई मोदी की तरफ कूच कर दो, आपको किसी मां ने दूध नहीं पाया जो यादवों की लड़ाई को जीत नहीं मिले। आपकी रैली में 2 दिन में मच सकती है, लेकिन आप जाटों की तरह गुजरों की तरह पटेलों की तरह दलितों की तरह रोड पर निकलिए, इन कट्टरों से लड़ने के लिए हमें रोड पर आना पड़ेगा और रोड पर आने के लिए हमें देशभक्ति जगानी पड़ेगी। और ये पोथी बंगले फार्म हाउस 2.5 करोड़ शादियों में जो लगा लगा कर हम बड़े चाव से कहते मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अगर वो देश के जो जवान यदुवीर अगर उन लड़ाइयों में हिस्सेदारी नहीं लेते तो आज भी अंग्रेजों का राज होता, आप साथी तो दूर की बात अंग्रेजों की गुलामी करते मिलते। तो उन संतता सेनानी उन यदुवीरों की आन बान शान की लड़ाई और जो हमारे नौजवान जो कहते हैं NCR के अंदर तो 10वीं और 12वीं से ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, मेरे को लोग कहते हैं विजेंद्र ये क्या लड़ाई लेकर तू चल रहा है, हमारे बच्चों को सीमा पर मरवाने के लिए लड़ रहा है। मैंने कहा सुनो, आप कहते हो IPS IAS बना दो, अब की बार 29 आए, पिछली बार 40 आए थे, उसके पहले 18 आए थे। मैंने PhD कर लिया समाज के ऊपर है, हाई रेजिमेंट के ऊपर, मेरे से कोई बहस कर ले, मैं जवाब दूँ आपको, क्या 100 आदमी IAS बनने से समाज का भला हो सकता है? नहीं हो सकता। 150 डॉक्टर बनने से ज्यादा समाज का भला हो सकता? नहीं हो सकता। 200 इंजीनियर बनने से, 1,00,000 इंजीनियर बनने से ज्यादा समाज का भला नहीं हो सकता। जो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान यादव जिसके पास खेती कम है, पैसा नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, आमदनी नहीं है, उसका बच्चा 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाता, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है? एक तरफ हम देश की बात करते हैं, क्या हमारा उस यादव के बच्चे को मजबूत करने के लिए और जो सीमा पर हमारा यादव खड़ा हुआ है उसके कंधे पर दूसरे बाप का नाम लिखा हुआ है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने जवान के वीर के कंधे पर हीर लिखवाएं?
और उस गरीब यादों को भी रोजगार दिलाएं। दिलाने का फर्ज हमारा बनता है, हम लोगों का बनता है, क्योंकि हम इतिहास के अंदर हिंदुस्तान की छोटी से बड़ी लड़ाइयों के अंदर सबसे ज्यादा वीर पदक हमारे पास है, सबसे ज्यादा शहादत हमारे पास है। 1965 के अंदर अगर वह 116 हीर अगर वहाँ पे 114 हीर शहादत नहीं देते और चाइना के 1740 को नहीं मार गिराते तो कश्मीर से लेकर पंजाब तक भारत का कब्जा नहीं चाइना का कब्जा होता है। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा धर्म स्थान देखना किसी को तो रजंगला की पहाड़ी में चले जाइए, वीर रही धाम के नाम। आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूँ, कृष्ण भगवान का वंशज होने के नाते कितने भी लोगों ने बलिदान दिया है, आज भी दे रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन सीमा पर सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो आपके यादव जवान वीरों के बच्चों का पहले भी था, आज भी है, और जब तक ये संसार रहेगा सबसे ज्यादा ताकत बलिदान देते रहेंगे। आज भी जितने आतंकवादी हमले होते हैं, 4000 जवान शहीद होते हैं तो 2 यादव होते हैं, 4 जवान शहीद होते हैं 2 यादव होते हैं, क्योंकि जब भी देश को सीमा पर रक्षा की जरूरत पड़ती है सबसे पहले यादवों को भेजा जाता है, सबसे पहले यादवों को भेजा जाता है। 1965 की लड़ाई के अंदर चाइना को वापस मोड़ दिया तो वो 114 हीर थे। क्या हमारा फर्ज नहीं है उनके बलिदान के लिए लड़े? उसके बाद 1965 उत्पाद खाने के हीरो ने अगर लड़ाई नहीं लड़ती तो आज भी पर हमारा कब्जा नहीं होता। वो भी लड़ाई हमने लड़ी, 71 की लड़ाई के अंदर भाई हीरो का रोल रहा, 1999 कारगिल युद्ध के अंदर 16,000 की ऊंची पहाड़ी पर परमवीर चक्र सबसे कम उम्र के अंदर योगेंद्र यादव जो 6 आदमी के साथ ऊपर चढ़ गया, एक तरफ ऊपर से तोपें गोला फेंक रही थी और एक तरफ नीचे हमारे जवान थे, 97 हमारे 97 यादव जवान वीर उसके अंदर शहादत थी। किसके लिए? यादवों के लिए नहीं, इस देश की सभी बिरादरियों के लिए, क्योंकि यादव अपने लिए कुछ नहीं करता है, एक काम तो करता है, यादव को घेरता है, ये तो करता है, लेकिन जितनी ये करना छोड़ देगा कोई शराब नहीं है भाई किसी भी गंदारी का। अगर शराब है तो विजेंद्र को दे दो भाई सारा शराब, ये बेकार की बात इन पंडितों ने हमारे बीच में डाल रखी है, कोई शराब नहीं है। यादव से बड़ा पंडित, यादव से बड़ा ज्ञानी जिसकी सूरत देखकर लोग पापियों के पाप तर जाते थे, जो हिंदुस्तान के अंदर न्यू वर्ल्ड के अंदर अंग्रेज भी आकर और उसके नाम से जय श्री कृष्ण बोलकर और वृंदावन से बाहर नहीं जाते, दिल्ली में से बाहर नहीं जाते, तो वो एक ही पूरे विश्व का योग गुरु रहा, तो वो आपके समाज से यदुनंदन योगराज श्री कृष्ण भगवान है। आप तक कोई भी विश्व के अंदर बता दो जय श्री राम बोलने वाले जो सत्ता में आने वाले वो उत्तरी भारत से बाहर निकल जाओ कोई जानने वाला नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा गुरु भगवान और गीता का पाठ पढ़वाने वाला और गीता पढ़ाकर सबको तारने वाला अगर कोई है तो वो आपके वंश में जन्म लेने वाला यदुनंद योगराज श्री कृष्ण भगवान है। 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के अंदर सबसे पहला झंडा फहराने वाला योगेंद्र यादव, कम उम्र में परमवीर चक्र लेने वाला जीते जी। उसके बाद अक्षरधाम मंदिर में सुरेश यादव ने सबसे ज्यादा शहादत देकर आतंकवादी से बचाया। बॉम्बे ताज हमले में जो कसाब से कसाब को गुद्दी से पकड़ कर कौन लाया? पटौती का जिल्लू राम यादव, तुक्का राम यादव। अरे आप तो जिस जमीन जिस मिट्टी से आए हो उस मिट्टी को तो अगर मत्थे पर लगा लो और गोट पर लगा लो तो ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी ताकत आ जाती है तो पूरे विश्व के अंदर उसको कोई हरा नहीं सकता। और आज हमारे NCR के लोग जो सबसे ज्यादा सीमा पर अपने बच्चों को भेज कर ही देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब सम्मान की लड़ाई होती है तो 100-200 से ज्यादा नहीं आ पाते, तो इसका कारण सरकारें नहीं है, इसका कारण हमारे समाज के संगठन, हमारे समाज के नेता और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने समाज की लड़ाई के लिए हमें रोड पर नहीं आने देते। और जो आता है, पिछले 10 साल से मैंने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, मेरे से सारे यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ भाई? रेजिमेंट बनेगी तो विजेंद्र की नहीं, पूरे समाज की बनेगी। और मैं एक जाति का थप्पा लगवा रहा हूँ तो मेरा भी कैरियर दाव पर लगा, लेकिन मैंने जब समाज की इज्जत की बात आ गई तो मेरे को कोई थप्पे से लेना देना नहीं, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, ना मेरा कोई संगठन का पदाधिकारी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, ना मुझे टिकट चाहिए, ना उनकी चाय पीनी है,
और हमारी मेहनत का रिजल्ट है 21 मई को हमने जयप्रकाश नारायण से पिछले संसद के सत्र में संसद में इसको उठवा दिया और जुलाई के अंदर इसको फिर उठवाएंगे और 19 से पहले पहले ऐसा बड़ा आंदोलन हम करेंगे। अगर आप लोगों ने बुजुर्गों ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आपने ताकत एक बार मेरे को ताकत दे तो उसके बाद 19 से पहले पहले रेजिमेंट में बना सकते। जब पूरी हमला हुआ 17 जवान मारे गए तो चारों तरफ भारत के अंदर एक आवाज उठी 56 इंची छाती कहा जो एक के बदले 10 लाने वाला था। तो मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक में क्या था, उसमें से भी आपके कोच ली के अमित यादव और उसका भाई कपिल यादव और 7 यादव और 9 यादवों ने जो पाकिस्तान जाकर 50 आतंकवादियों को मार के आए थे उसके अंदर भी आपके 9 जवान थे। लेकिन जब इस 26 जनवरी को उनको अवार्ड मिला तो बड़ा अवार्ड दूसरे को मिला और हमें छोटा अवार्ड मिला। अब की बार हमें 3 अवार्ड मिले यहाँ। मैं भाई रेजिमेंट के अलावा रात को मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं सोते। ये डॉक्टर साहब हमारे बच्चे कहते हैं रात को भी तू पैरियल कूदता है। बोला क्या भाई रेजिमेंट चिंता बात, हम पागल हो चुके थे, हमने अपना जीवन ये लगा दिया अगर हमने रेजिमेंट नहीं बनाई तो ना हम अहिर है ना यादव है ना ही देश के एक नाम नहीं। ये रामपुरा उमपुरा थारा नहीं है, वो भी गया। और भाई मुलायम सिंह के अंदर ऐसी कौन सी बिरादरी है 15% की जो उसके घर में भव्य रूप में नहीं है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारा विकास करेगा? नहीं, जितने टेंडर जितना विकास होगा वो सगुनी 15%, क्योंकि गृह मंत्री घर में यादव नहीं। यही कारण है घर में कलेश है और उसका फायदा जो है वो 15% हारने के बाद भी अगर आज उनके साथ कोई है तो यादव नहीं है, वही 3 जातियाँ हैं। आज यूपी के अंदर चले जाइए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो याद हो गए फकीर काउंटर उनकी मौतें नहीं हो रही हो। और ये पहली संस्था है, मैं तो किस्मत वाला हूँ, मेरे पास ना लत है। हम तो हर बार कहते हैं मैं गाड़ी चलाता हूँ रात को और लौट जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार डॉक्टर साहब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे यूपीएल बिहार में तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे डंडा तो ले लें पुलिस वाले से, कहीं सारा कहीं लड़ेंगे तो कम से कम लड़ पकेंगे। हर बार डंडा भी दूर क्योंकि हमारे साथ शोर के चल रहा। हमने ऐसे ऐसे मुकदमे रायबेली अप्ताकान जौनपुर सुल्तानपुर गोरखपुर जितेंद्र यादव नोएडा ऐसे ऐसे गुरुजी उत्तर प्रदेश के अंदर पता क्या होता है मुकदमा 2 के नाम और अज्ञात में 200। और फिर क्या करते हैं जितने यादव होते हैं ना कात में हर हफ्ते 4 यादवों को फैला करते उनको पीटते उनको करते 50,000 दे के जाओगे तो भाग जाओगे नहीं तो गलत। अब 50,000 किसी गरीब के पास नहीं है तो जेल में पड़ा। हमने उनके मुकदमे भी अपना दिए, किस लिए? हमने यहाँ से टीम ले जा ले जाकर अपनी वकील टीम लेकर लखनऊ के अंदर घेराव किया। ये रेजिमेंट की ताकत है। अगर रेजिमेंट के लिए मैं बाहर नहीं निकलता तो मेरे को क्या पता लगता कि गोरखपुर में क्या हो रहा है, रायबरेली में क्या हो रहा है। लेकिन इसी रेजिमेंट की देन है जो आज हर देश का अगर किसी की भैंस भी यादव की चोरी हो जाती है मजाक में बता लेना भाई बुजुर्ग बच्चे तो तुरंत वो विजेंद्र यादव के ग्रुप में डाल देता। किसी की बहन भाग जाती है, किसी का कोई रोड़ा हो जाता है, किसी का भाई नौकरी की बात होती है, किसी का कुछ होता है तो वो सीधा ABYM के पास फोन करता है गुरु जी। और हम पूरी कोशिश करते हैं, अभी भी राम लोहिया हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश के 3-2 यादव हैं उनको गरीब यादव को 50,000 रुपये सेंस पेपर में लगते थे, उसका गरीब था मकान बिकने की नौबत आ गई, हमने सबने डॉक्टर साहब ने टीम इकट्ठी करके और दबाव बनाकर आज उसको राम लोहिया में एडमिट करा दिया और ब्लड देने से लेकर पैसे देने तक हमने सब काम किया और आज वो बच्चा स्वस्थ होने की कंगाल। ये ही रेजिमेंट की ताकत है, इसको खाली आप रेजिमेंट में समझो, संपूर्ण मुद्दा दूध का प्रोडक्ट है। यही समाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कर सकता है और कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं कोई पार्टी बना के आऊँगा तो राव साहब का कोई मुलायम का कोई लालू का कहेगा विजेंद्र ये तो फिर से कमाने आया राजनीति करने। भाई मैंने कोई राजनीति नहीं करनी, मेरे दिमाग में एक चीज़ पड़ी हुई है, हमारा इतना बड़ा गौरव नहीं था तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं। और जब मैं इसको शुरू किया था तो ये मैंने शुरू जितने की थी, हर आदमी ये कहता था गुरुजी हर संगठन हर मंत्री विजेंद्र ये पागलों की तरह मत घूम, ये नहीं बनने वाली, ये कभी नहीं होने वाली।
और वही मेहनत एवीवाईएम की है। आज अखिलेश हो, राव इंद्रजीत हो, कोई भी हो, चाहे पंचायत में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको बोलने की जबान एवीवाईएम ने दी थी है। आज तक यादव ने कभी संसद का घेराव किया? गुरुजी मेरे साथ कई बार आए, 7 बार संसद का घेराव किया। 10-10 बजे हम संसद भवन थाने से गिरफ्तार होकर छूट के गए। मेरी घरवाली, मेरी साली, मेरे बच्चे सब गिरफ्तार होते थे। किस लिए? क्योंकि संख्या कम होती थी। यादव एक दूसरे को रोकता था तो मैंने कहा यह घर में तेरी जरूरत नहीं है, अरे चतरानी जब ही कहलाएगी जब तू भी जाके मेरे साथ लड़ाई करेगी। और मेरा बच्चा 10वीं के एक दिन पहले बोर्ड के पेपर से भी संसद भवन थाने में गिरफ्तार था। किसके लिए? टिकट के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, इस समाज की आन आन आन। आज अभी तक मैंने जय श्री कृष्णा से ज़्यादा मैं नहीं लिखता। अभी भी मेरे को कोई जवाब मांगेगा तो मेरी बच्चे या मेरी लड़की अभी तुरंत आपको जवाब दे देगी। पूरे देश का जवाब मेरी घरवाली देती है, मेरे बच्चे मैं नहीं देता। मैं तो रोड पर काम करता हूँ और वो करता रहूँगा जब तक मेरे जीवन में, जब तक मेरे शरीर में जीवन बाकी। तो साथियों, यही एक रेजिमेंट का मुद्दा है। गुरु जी,